हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी। अमित जी, 110 दिन के दौरे पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय कार्य विस्तारक योजना, आखिर इसकी जरूरत क्या, जबकि पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, कई राज्यों में आपकी सरकार, केंद्र में आपके सबसे बड़ी बहुमत से बनी सरकार, इतनी भागदौड़ अमित शाह जी पार्टी के लिए और संगठन के लिए और देश के लिए आखिर करने की क्या। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और पार्टियों के से जरा हटके हैं। हमारा पार्टी चलाने का आधार संगठन रहा है, जब से स्थापना हुई तब से, और काम करने का आधार हमारी आइडियोलॉजी रही है, विचारधारा रही है। इसलिए बहुत जरूरी है कि संगठन को मजबूत रखा जाए और विचारधारा का फैलाव देश के हर कोने में किया जाए। देश के कई हिस्से ऐसे हैं जहां हम 2014 में भी संगठनात्मक रूप से मजबूत नहीं थे, जैसे केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र, ओडिशा, बंगाल और असम और पूरा नॉर्थ ईस्ट। इस सारे हिस्सों में भारतीय जनता पार्टी का संगठनात्मक आधार बढ़ाना, जनाधार बढ़ाना और विचारधारा का फैलाव करना, विचारधारा का भी प्रचार प्रसार करना, स्वीकृति लाना, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत जरूरी था। 2014 से हम उसमें लगे हैं और मुझे लगता है कि अच्छी सफलता मिल रही है। ये सारे देश के अंदर संगठन का एक खाके को, ढांचे को मजबूत करने की कवायद है। विचारधारा के प्रति पुनः अपने आप को फिर से कार्यकर्ता समर्पित करें, इसके लिए पूरी एक्सरसाइज है। सर, आपने विचारधारा की बात कही और सालों से हम लोग देखते रहे विचारधारा परिवार के जो लोग हैं, बड़े बड़े नेता हैं, हमेशा वकालत करते रहे इसराइल की कि उससे सबक सीखना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए, राष्ट्रवाद के बारे में हो, भले ही हमारे देश में राष्ट्रवाद को भगवा कलर से देखा जा रहा हो, लेकिन इसराइल 70 साल बाद ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां गए, इस पूरे दौरे को आप किस रूप में दें। नहीं, देखिए, सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण दौरा है। दोनों देशों के बीच में सालों से एक दूसरे को मदद करने के तो रिश्ते थे, मगर उसकी व्याख्या नहीं होती थी। मोदी जी ने पहली बार, आजादी के बाद पहली बार कोई प्रधानमंत्री इजराइल गया है, मैं इसका स्वागत करता हूं। कल मैंने ट्वीट भी किया था और मैं मानता हूं कि ये रिश्ते से हिंदुस्तान के विकास के लिए, कई क्षेत्रों में भारत के विकास के लिए फायदा होगा, जैसे पानी का उपयोग, जल संचय, कृषि, प्रतिरक्षा प्रणालियां और सेनाओं का आधुनिकीकरण और टेक्नोलॉजी, ये सारे क्षेत्रों में भारत को बहुत फायदा होगा और इजराइल को भी एक विश्वस्त दोस्त के नाते भारत इसके साथ खड़ा रहेगा। अमित जी, ऐसा देखने में आ रहा है जिस तरह के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 3 साल का विदेश दौरा रहा है और खासकर हाल के दिनों में ट्रंप से मुलाकात, पुतिन से और फिर अब नेतन्याहू से, ऐसा लग रहा है कि आतंकवाद खिलाफ महागठबंधन बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है भारत द्वारा या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, आपको वैश्विक आतंकवाद खिलाफ भारत की भूमिका किस रूप में देख रहे हैं इस? मैं मान रहा हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत आतंकवाद के खिलाफ जो विश्व में लड़ाई शेप ले रही, आकार ले रही है, उसका नेतृत्व करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। और सारे ऐसे देश जो आतंकवाद से पीड़ित है या तो मानते हैं कि आतंकवाद समूची मानवता के लिए खतरा है, उसको एकत्रित करने में मोदी जी की एक अहम भूमिका है। और मोदी जी जहां जहां गए हैं वो देश के राष्ट्राध्यक्षों ने आतंकवाद की लड़ाई के प्रति अपना कमिटमेंट डिक्लेयर किया है और हर साझा स्टेटमेंट जो ज्वाइंट डिक्लेरेशन होता है उसमें आतंकवाद एक प्रमुख मुद्दा होता है। तो ये केवल भारत के लिए उपयोगी नहीं है, पूरी दुनिया की शांति और पूरी दुनिया की व्यवस्था के लिए बहुत जरूरी है कि दुनिया में से हर देश के अंदर आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस का संस्कार, एक कल्चर डेवलप किया जाए। और मैं मानता हूं मोदी जी इसके लिए बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। सर, इसराइल की अगर बात करें तो इसराइल हम लोग सब देखते रहे, हाल फिलहाल तक भी एक इंच जमीन भी अपना छोड़ता है न देखने देता है। भारत के पड़ोसी चीन सिक्किम के रास्ते जिस तरह से अड़ियल रवैया अपनाए हुए हैं और कह रहा है कि 1962 से सबक सीखे भारत और युद्ध की धमकी दे रहा है,
देखिए, मैं इस पर इसलिए टिप्पणी नहीं करना चाहता कि इस पर भारत सरकार के विदेश विभाग के प्रवक्ताओं की टिप्पणी ज्यादा उचित होगी, मगर भारत इस चीज को भारत सरकार बहुत गंभीरता से देख रही है, क्लोज वॉच है और उचित कदम उठा रही है। दूसरा पड़ोसी सर पाकिस्तान, सलाउद्दीन को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के एक प्रयास से। हाफिज सईद को रखे हुए है, अलगाववादियों को पैसा दे रहा है और पत्थरबाजों को भड़का रहा है, सबक नहीं सीख रहा सर्जिकल स्ट्राइक के बावजूद। देखिए, ये बहुत समय से एक लंबा प्रोसेस चल रहा है, मगर मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि आतंकवाद के मामले में नरेंद्र मोदी सरकार की कूटनीतिक सफलताओं के कारण पाकिस्तान आज विश्व में अलग धलग पड़ा है। कश्मीर सर, आपकी सरकार जब बनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 3 साल, बहुत उम्मीदें थी और आज भी उम्मीद है कि कश्मीर समस्या का हल अगर मोदी सरकार नहीं कर पाए तो कोई नहीं कर पाएगा, ऐसा लोगों की मान्यता है, बहुत लोगों को मानना है। कश्मीर 1 साल बुरहान वानी को मारे हुआ लेकिन अभी तक शांत नहीं है, लोगों को थोड़ा सा अंदेशा है कि कब होगा, कि कब तक। देखिए, जब लड़ाई चलती है तो दोनों ओर से वार होता है और कश्मीर समस्या में 1989 से लेके आज तक बहुत सारे ऐसे पेच आए हैं, बहुत सारे ऐसे कालखंड, एक एक छोटे टुकड़े आए हैं, 6 महीना, 8 महीना, 3 महीना का, जिसमें ऐसा लगता है कि कश्मीर में किसी का कंट्रोल नहीं है, मगर हर बार सुरक्षा एजेंसियों ने अपना स्थिति को बेहतर बनाया है और कंट्रोल लिया है। अभी भी स्थिति नियंत्रण की ओर जा रही है, मुझे विश्वास है बहुत जल्द इस पर नियंत्रण पा लिया जाएगा, मगर जब आप दबिश बढ़ाते हो हथियारी आतंकवादियों के ऊपर और वो उसके जवाब में कुछ करते हैं तो देश ने समझना चाहिए कि एक दबिश बड़ी है, उसका जवाब है। सर, एक शासन के एजेंडा लेकर वहां पर आपकी सरकार बनी थी, आप लोग चाहते हैं कि उसके आधार पर बने और बढ़े, क्या महबूबा मुफ्ती शासन के एजेंडे पर आगे बढ़ रही है, आपको लग रहा है आप सेटिस्फाई हैं या कुछ और करने की जरूरत है? जिस प्रकार की स्थितियां हैं उसमें पीडीपी बीजेपी गवर्नमेंट अच्छा कर रही है। सर, वहां से अगर रायसीना हल की बात करें तो ये कहा जा रहा है कि रामनाथ कोविंद जी, आप लोगों ने और आपने कहा भी कि काबिलियत के आधार पर उन्हें हमने दिया है, लेकिन विपक्षी दलों ने इसे दलित राजनीति के तौर पर माना और मीरा कुमार को खड़ा किया उसी राजनीतिक तत्व, और कहा जा रहा है कि विचारधारा की लड़ाई है ये और इसलिए हम कैंडिडेट खड़ा कर रहे हैं, कौन सी विचारधारा? देखिए, हमने तो योग्यता के आधार ही रामनाथ कोविंद जी को तय किया था, परंतु उन्होंने पहले गोपाल गांधी जी को तय किया था, बदलकर मीरा कुमार को किया। मैं नहीं समझता कि ये जाति की राजनीति कौन कर रहा है, देश की जनता समझ रही है इस बात को। और जहां तक विचारधारा का सवाल है, विचारधारा है सबकी स्पष्ट ही है, इसमें राष्ट्रपति चुनाव क्या कर सकता है। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को भी पूरा देश जानता है और कांग्रेस ने जिस तरह से करप्ट शासन चलाया 10 साल तक, 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले किए, जिस तरह से देश की राजनीति पर, देश की डेमोक्रेसी पर परिवारवाद को थोप दिया, जिस तरह से देश की राजनीति पर जातिवाद को थोप दिया, सब जानते हैं। लेकिन आप लोगों ने तो सर, और अमित शाह जी ने विपक्ष को तो बंटवारा कर ही दिया सर, यूपीए और विपक्षी दल में नीतीश कुमार को आपने वापस ले लिया। मैं मानता हूं कि इसको इस दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। बहुत सारी पार्टियों ने प्रत्याशी की मेरिट्स पर रामनाथ जी का समर्थन किया है, मोदी सरकार के कामकाज के आधार पर एक समर्थन किया है। मैं मानता हूं हम सभी का स्वागत करते हैं और इसको इस तरह से छोटी पॉलिटिक्स की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। लेकिन पॉलिटिक्स तो राहुल गांधी या विपक्षी दल नीतीश कुमार पर इतना दबाव डाले हुए, लालू यादव कहते हैं कि भाई राहुल गांधी कहां से दबाव डालेंगे, अभी अभी तो आए हैं, वो परसों तो आए हैं, और आते के साथ उन्होंने कहा कि कमजोर प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी। तो ठीक है, राहुल जी की टिप्पणी है, देश की जनता इसको समझती है। राहुल गांधी सर जीएसटी का सपोर्ट किए, काफी मेहनत से जीएसटी पारित आपकी सरकार ने कराया है और पूरे देश में इसका कमोबेश लगभग स्वागत हुआ है सभी पार्टियों द्वारा, और जिस तरह से मिडनाइट वहां पर मेगा प्रोग्राम हुआ उसे भी सभी दलों ने लगभग सपोर्ट किया, लेकिन आज राहुल गांधी की कांग्रेस उस जीएसटी को रोल बैक करने की बात कर रही है, उसके जो टैक्स स्लैब है। देखिए, मैं मानता हूं कि जीएसटी एक बहुत बड़ा कर सुधार है, इतने बड़े देश में अलग अलग कर का स्ट्रक्चर होना अच्छा नहीं। आज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक
और आसाम से लेकर गुजरात तक एक टैक्स का स्ट्रक्चर बना है। व्यापार में काफी सरलता होगी, काले धन पर दबिश बढ़ेगी और सरकार की रेवेन्यू भी बढ़ेगी और लोगों को सस्ता माल भी मिलेगा, अपनी उपभोक्ताओं को सस्ती चीजें भी मिलेगी और धीरे 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 व्यापार के अंदर एक प्रकार की सरलता आएगी। न जाने कितने कानून, कितने फॉर्म्स इस एक ही कानून से रद्द हो गए, 17 प्रकार के टैक्स अलग अलग निकल गए, इतने सारे इंस्पेक्टर की जगह अब एक ही जगह पे अपना हिसाब किताब व्यापारियों को देना है। मैं मानता हूं इससे बड़ी सरलता व्यापार के लिए नहीं हो सकती। वो ठीक है कि सब मानते थे कि ये हिंदुस्तान में असंभव है, इतनी सारी पार्टियां, इतनी सारी राज्य सरकारें इसको स्वीकार नहीं करेगी और इतना बड़ा टैक्स रिफॉर्म इतनी सरलता से नहीं होगा। मगर मुझे आनंद है मोदी जी के नेतृत्व में और अरुण जी के नेतृत्व में ये पूरे टैक्स रिफॉर्म को बहुत सरलता से और बहुत अच्छे तरीके से करने में सरकार सफल रही है। आज उपभोक्ता भी खुश है, इंडस्ट्रियलिस्ट भी खुश है और व्यापारी भी खुश है। सर, इतना बड़ा टैक्स रिफॉर्म हुआ और प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा, आप सेंट्रल गवर्नमेंट में आप भी थे सर, कि 18 बार काउंसिल की बैठक हुई और गीता में भी 18 अध्याय है। कहीं ना कहीं उन्होंने जोड़ने की कोशिश की कि गीता एक ज्ञान देता है और टैक्स रिफॉर्म जो हुआ है ये भी देश के लिए काफी बड़ी राहत की बात है, लेकिन इसका बहिष्कार करके कांग्रेस क्या संदेश देने की कोशिश की सर? मुझे लगता है कि बहुत लंबा समय तक नहीं चल पाएगा। जनता का रुझान अगर वो समझेंगे तो बाद में जुड़ जाएंगे। 120 सीट मिशन 2019 मिशन उड़ीसा में 120 सीट का दावा, और ये देखने में आया सर जब से यूपी के इंचार्ज आप बने थे उससे आज तक जहां भी आप कोई रणनीति बनाते हैं उसे आप जमीन पर उतारते। सिर्फ यूपी नहीं, मणिपुर में हमारी 2 ही सीट थी और हम सरकार बनाए। उत्तराखंड में कभी 57 सीटें नहीं आई थी, यूपी में भी हमने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और आसाम में किसी को कल्पना नहीं थी कि भारतीय जनता पार्टी का पूर्ण बहुमत आएगा। जहां जहां संगठन मजबूत हुआ, जहां जहां बूथों की रचना हुई, वहां भारतीय जनता पार्टी ने विजय प्राप्त करी है। क्योंकि नरेंद्र मोदी सरकार ने 3 साल में इस प्रकार से काम किया है कि जनता भारतीय जनता पार्टी को और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकार करने के लिए तैयार बैठी। जब हमारा संगठन मजबूत होता है तो मोदी जी की सरकार की जो लोकप्रियता है उसको वोट में कन्वर्ट करने में हमारा संगठन सफल होता है। मैं मानता हूं जहां जहां हमारा संगठन सफल हुआ वहां सरकार बनी है। और यहां पर भी आप मेरी बात मानकर चलेगा, 2019 में सीटें गिन लीजिएगा, काउंटिंग के दिन मुझे पूछ भी लीजिएगा, ठीक 120 सीट से ज्यादा सीटें हम पाएंगे। 120 सीट पा रहे हैं आप सर 2019 में। एक सवाल आता है सर, जिस तरह से आप सवाल यही उठ रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आप सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं, तो उस ये रणनीति है या फिर राजनीति सबका साथ सबका विकास होना ही चाहिए कि गांव गरीब आदिवासी दलित? ना रणनीति है ना राजनीति है, भारतीय जनता पार्टी की नीति है सबका साथ सबका विकास। चलिए धन्यवाद। एक आखिरी सवाल रहेगा सर कि नाम नहीं पूछेंगे सर और आप नाम बताएंगे भी नहीं, उपराष्ट्रपति को लेकर काफी असमंजस ये केवल हो रहा है, क्या वो काबिलियत के साथ साथ उसे राज्यसभा चलाने की क्षमता भी होगी? स्वाभाविक रूप से राज्यसभा चलाने की क्षमता भी होगी, काबिलियत भी होगी, मगर अभी प्रत्याशी के लिए कुछ सोचा नहीं गया है। धन्यवाद। अमित शाह के साथ ये एक्सक्लूसिव बातचीत आपने सुनी। हर मुद्दे पर उनसे सवाल पूछा गया, हर मुद्दे पर जवाब भी उन्होंने दिया। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के ओडिशा दौरे का आज आखिरी दिन है। अमित शाह आज बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी करेंगे। इससे पहले कल अमित शाह ने घर घर जाकर लोगों से बीजेपी से जुड़ने की अपील की और इसी दौरान अमित शाह ने दलित के घर उनके साथ बैठकर खाना भी खाया। कहा, भारत के विकास की सबसे बड़ी वजह ओडिशा के लोग हैं।